नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में हम अंतिम इकाई की कुछ अंतिम लाइनों की तरफ चल रहे हैं और इस प्रकार से अपना जो ये पाठ्यक्रम है वह पूरा हो जाएगा। आपको ध्यान है मैंने LCR सर्किट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हुए टेन थीटा निकाला था और टेन थीटा का मान आया था ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। इस कार्य को करने के बाद हमने फिर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की विवेचना की थी और हमने ये बतलाया था कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की गुणधर्म XL इजुकस टू XC पर होती है, अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तब उस केस में हमें अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है। और इस XL XC के बराबर होने के कारण ओमेगा L माइनस वन अपॉन ओमेगा C का जो मान है वह शून्य हो जाता है। हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाला था और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान 1/2π रूट LC आया था। मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किए थे फ्रीक्वेंसी के जो करंट और इम्पीडेंस के थे। करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम है जबकि इम्पीडेंस मिनिमम है और मैंने आपको यह भी इसमें स्पष्ट किया था कि इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं वह सर्किट एक्सेप्टेबल सर्किट कहलाते हैं। तत्पश्चात हमने क्वालिटी फैक्टर के बारे में अध्ययन किया था और क्वालिटी फैक्टर की अलग अलग तरीके से परिभाषाएं विकसित की थी। क्वालिटी फैक्टर से पूर्व हाफ पावर पॉइंट निकाला गया था और ये बताया गया था कि हाफ पावर पॉइंट का जो मान होता है वह मान ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आर बाई एल होता है। फिर हमने LCR समांतर परिपथ प्रारंभ किया था और इस केस में हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो मान निकाला था वह मान आया था स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और इस शर्त से हमने अनुनाद की फंडामेंटल कंडीशन जो LCR कंपोनेंट पर लागू होती है उसका मान हमें प्राप्त हुआ था और वह मान R इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ LYC आया था। मैंने आपको याद दिलाया था कि हम इस शर्त के आधार पर R इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ LYC कई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को हल कर पाते हैं, हल करने में मदद मिलती है। और फिर हमने इस अनुनाद समांतर पर फ्रीक्वेंसी के साथ करंट और इम्पीडेंस के ग्राफ सीरीज रेजोनेंस की तरह लिए थे। यहाँ पर जो ग्राफ आए हैं वो है ग्राफ पूर्व जो ग्राफ प्राप्त हुए उनसे विपरीत क्रम में थे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान मिनिमम था जबकि इम्पीडेंस का मान हाई था। और हमने जिस प्रकार से सीरीज रेजोनेंट सर्किट को एक्सेप्टेबल सर्किट कहा है उसी प्रकार से इस तरह के जो सर्किट हैं उसको हम एंटी रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो रिसेप्शन में LC सर्किट में ट्यूनिंग की तरह हम यूज करते हैं और इस प्रकार से यह रिजेक्टर सर्किट कहलाता है। अब जो थोड़ा सा काम है जिसे आप बहुत आराम से कर सकते हैं वह काम है हाफ पावर पॉइंट का निकालने का। आप देखिएगा सीरीज परिपथ के समान समांतर परिपथ में भी हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। समांतर परिपथ के लिए जेड व ओमेगा के मध्य खींचे गए जो रेजोनेंस कर्व हैं उन रेजोनेंस कर्व में हम दो ऐसे बिंदु ए और बी लेते हैं जिन पर कि इम्पीडेंस का मान अपने अधिकतम मान का 1/√2 है, अर्थात Z इज इक्वल्स टू Z/√2।
तो हम लिख सकते हैं वन अपॉन जेड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड जीरो। हमने रिलेशन निकाला हुआ है जेड आर का मान जो जेड जीरो के बराबर है और इसका मान एल बाई सी आर है। अब हम इस समीकरण में जेड का मान सब्सिट्यूट करते हैं, जेड जीरो का मान सब्सिट्यूट करते हैं और सब्सिट्यूट करके हम इस समीकरण को प्राप्त करते हैं। जो समीकरण प्राप्त हुई है वह इस प्रकार से है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट पावर वन बाई टू इज इक्वल्स टू रूट टू सी आर बाई एल। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने पर हमें समीकरण प्राप्त हो रही है वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और हमें रिलेशन मिलता है वन अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा बाई ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव सी आर। तो दोनों मान संभव है, दोनों मान संभव होने पर हम दो समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। दो समीकरण किस प्रकार से प्राप्त हुई है, वन अपॉन ओमेगा वन माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी आर एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी आर। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा वन ओमेगा टू। नाउ सब्ट्रैक्टिंग टॉप इक्वेशन फ्रॉम लोअर इक्वेशन दैट इज वन अपॉन ओमेगा टू माइनस वन अपॉन ओमेगा वन प्लस वन अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज इक्वल्स टू टू सी आर। इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू आर सी। इस समीकरण में हमने ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू को कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट जो टर्म हमें मिल रही है दैट इज स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू प्लस वन बाई ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी आर। फर्दर दिस इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज मल्टीप्लाइड बाई टू बाई ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी आर। और इस प्रकार से हमको बैंडविड्थ जो प्राप्त हुई है वह बैंडविड्थ का मान हो गया है ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर आर सी। बैंडविड्थ प्राप्त होने पर हम क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन होगा जैसा हमने सीरीज में किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा और ओमेगा आर बाई ओमेगा आर स्क्वायर आर सी अथवा एंटी रेजोनेंट सर्किट के लिए हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी। थैंक्स।